अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो है एक एवोकाडो सैंडविच बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार। जिनसे एवोकाडो नहीं खाया जाता वो इस तरह से ट्राई करें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले नॉन स्टिक पैन में बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसको इस तरह से फैला लेंगे। फिर एक अंडा तोड़ के हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम अंडे के ऊपर काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे। जब एक साइड से अंडा तैयार हो जाएगा तो हम बहुत ही ध्यान से इसको पलट लेंगे। तो जब अंडा तैयार हो जाएगा तो उसको हम फिर एक प्लेट में निकाल देंगे। उसी फ्रैंक पैन में हम बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम ऑयल को फैला लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्लाइसेस को जो है सेकना है, तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउन ब्रेड है। आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, जो भी ब्रेड आप यूज़ कर रहे हैं वो ले सकते हैं। जब स्लाइसेस क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम उसको निकाल लेंगे प्लेट्स में। अब बारी आती है एवोकाडो की, तो यहाँ पे हम एवोकाडो को बीच में से हाफ कर लेंगे। और हाफ एवोकाडो को हम स्पून की मदद से निकाल लेंगे इसमें से। इसके बाद एवोकाडो के हम स्लाइसेस करेंगे। हाफ एवोकाडो एक सैंडविच के लिए बहुत है। बारी आती है असेंबलिंग की, तो एक स्लाइस के ऊपर हम पहले एग रखेंगे जो हमने हाफ फ्राई किया था, उसके ऊपर हम रख लेंगे एवोकाडो के स्लाइसेस जो हमने कट करके रखे थे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है पेरी पेरी सॉस, मीडियम है। आप लोग अगर ज़्यादा तेज़ मिर्ची खानी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा तेज़ वाली ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मीडियम ले रही हूँ। तो बहुत ही थोड़ी सी मैं एवोकाडो के ऊपर डालूँगी। फिर यहाँ पे मेरे पास है केचप, इस केचप थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डालूँगी। और साथ में मेरे पास है यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट से थोड़ा और भी टेस्ट अच्छा आएगा, वो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा एग एवोकाडो सैंडविच तैयार हो चुका है। मज़े लें, इंजॉय करें, और सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही आइडियल है, हेल्दी है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।